आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटे की लालटेन के 615वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। फिलहाल जो घटनाक्रम चल रहे हैं उस पर हम चर्चा आपसे करेंगे। नितिन गडकरी से प्रेरणा लेने की जरूरत महसूस हो रही है राहुल गांधी को। अपना उपहास उड़ाने से रोकना है तो उठाने होंगे नितिन गडकरी के मानिंद तत्काल प्रभावी और कठोर कदम। लिमटे की लालटेन के 615वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हालिया घटनाक्रम पर हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं लिमटे की लालटेन में। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा शुक्रवार 1 मार्च को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेजा है। उनका आरोप था कि उनके एक साक्षात्कार की 19 सेकंड की क्लिप, साक्षात्कार बड़ा था, उसके 19 सेकंड की क्लिप को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर पेश किया गया है। भारतीय भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी और भारतीय जनता पार्टी की छवि को प्रभावित होने से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। नितिन गडकरी ने जो किया है वास्तव में हर राजनेता को वो करना चाहिए। अगर कहीं गलत है, उसके खिलाफ कुछ हो रहा है तो उसे निश्चित तौर पर उसका प्रतिकार करना चाहिए। इससे तर राहुल गांधी के संबंध में सोशल मीडिया में जिस तरीके की टिक्का टिप्पणी की जाती है उनके द्वारा 2017 में गुजरात नवसर्जन यात्रा के दौरान पाटण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया गया था उसमें आलू से सोना बनाने वाले वक्तव्य को सोशल मीडिया पर जमकर उछाला गया, जमकर वायरल हुआ। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और कांग्रेस का जगह जगह मजाक भी उड़ाया गया आलू और सोना वाले मामले में, किंतु राहुल गांधी कांग्रेस और ने अपना मौन उस संबंध में नहीं तोड़ा। कांग्रेस और राहुल गांधी मौन क्यों रहे ये बात तो वे ही जाने, पर आलू से सोना बनाने वाले बयान से उनकी और कांग्रेस की छवि प्रभावित हुए बिना नहीं थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी छवि प्रभावित हुई है। बहरहाल फिलहाल के घटनाक्रम के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा एक निजी टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार लगभग 1 घंटा 20 मिनट अर्थात लगभग 80 मिनट का वो साक्षात्कार था। इस साक्षात्कार में से महज 19 सेकंड का एक वीडियो कट करके एडिट करके सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी हरकत में आ गए। उन्होंने इस वीडियो को गलत करार देते हुए कानूनी कार्रवाई भी आरंभ कर दी, होना यही चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेजते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उनके साक्षात का असली मतलब, जो उसका लब्बू लुभाव था, असली जो उसका मतलब था और संदर्भ को छिपाते हुए क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। उनका आरोप था कि ये काम सिर्फ उन्हें बदनाम करने और भ्रम फैलाने के उद्देश्य से किया गया है। बड़ा गंभीर आरोप लगाया है उन्होंने कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर। दरअसल कांग्रेस ने वीडियो जिसमें नितिन गडकरी ये कहते हुए दिख रहे हैं कि आज गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है, गांव में अच्छे रोड नहीं है, पीने को शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, शेयर करते हुए उक्त इबारत लिखी थी। वीडियो में भी नितिन गडकरी ये कहते हुए सुना गया कि वे ये सब कह रहे हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। कांग्रेस ने उस वीडियो को से अंश निकाल कर ट्वीट किया और लिखा कि मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है ये सारी बात है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया वैसे ही कोहराम मच गया, क्योंकि नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री हैं। यह वीडियो जमकर वायरल हुआ और नितिन गडकरी की इसकी खबर लगते ही उन्होंने 24 घंटे के अंदर कांग्रेस से कहा कि पोस्ट हटा दी जाए और 3 दिन के अंदर लिखित माफी कांग्रेस मांगे, ये मांग भी उनके द्वारा कर दी गई।
किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उस आरोप का खंडन तत्काल करने की जरूरत है, जो कांग्रेस के द्वारा नहीं किया जाता। पता नहीं क्यों कांग्रेस के पास अपनी आईटी सेल है, आईटी सेल भी पूरी तरह मौन रहती है सिवाय कुछ चीज़ों के। आईटी सेल के जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी कुछ नहीं करते। कुछ समाचार चैनल्स में चल रही खबरों के अनुसार नितिन गडकरी ने कहा कि कांग्रेस ने उस हिस्से को काट दिया है जिसमें उन्होंने बताया था कि कितना प्रयास किया जा रहा है उन्होंने, और उसी के अच्छे परिणाम भी वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में मिल रहे। वे जानबूझकर गलत अर्थ निकालने के लिए बातचीत के असली मतलब को छिपाते हुए हिंदी कैप्शन और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। ये उनकी साजिश है ताकि मंत्री अर्थात नितिन गडकरी की छवि खराब हो सके। कांग्रेस ने अभी तक इस नोटिस का जवाब नहीं दिया है। नोटिस में लिखा है कि इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ा गया है और आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उस वीडियो को बिना संदर्भ के भी पोस्ट किया गया है। ये आरोप नितिन गडकरी के हैं। लोकसभा चुनावों की घोषणा होने ही वाली है। आज की युवा पीढ़ी इस बात से शायद वाकिफ ना हो। एक समय था, जो संदर्भ हम आपको बता रहे हैं, एक समय था जब संचार साधनों का अभाव हुआ करता था। उस दौर में किसी भी प्रत्याशी या दल की छवि खराब करने की गरज से अज्ञात नामों से पर्चे छपवा कर बटवा दिए जाते थे। देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली में, अब जिसे नई दिल्ली कहा जाता है, वहाँ दरियागंज इलाके में सबसे ज़्यादा मुद्रणालय अर्थात प्रिंटिंग प्रेस हुआ करते थे, इसलिए स्थानीय स्तर पर पर्चे किसी भी मुद्रणालय में छपवा दिए जाते थे और प्रकाशक के स्थान पर कोई मनगणंत नाम लिख दिया जाता था और मुद्रक के स्थान पर फला प्रिंटिंग प्रेस दरियागंज नई दिल्ली। हमारी पीढ़ी इस बात की साक्षात गवाह है कि खूब इस तरीके के पर्चे उस समय पटा करते थे, जो चुनाव को बुरी तरह प्रभावित किए बिना नहीं रहते थे। आज संचार क्रांति का युग है और सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म्स पर लाखों करोड़ों लोग उसे रोज देखते हैं। इन परिस्थितियों में युवा चुनाव के पहले अगर किसी दल या प्रत्याशी की छवि बिगाड़ने का काम किया जा रहा है तो उसे बहुत आसानी से पकड़ा भी जा सकता है, क्योंकि जो भी इसमें इसे शेयर करेगा उसका जन्म अर्थात ओरिजिनेशन कहां से हुआ है इसका पता करना बहुत कठिन काम नहीं है संचार क्रांति के युग में। राहुल गांधी से संबंधित, आलू से सोना से लेकर जितनी भी बातें अब तक सोशल मीडिया पर शेयर की जाती रही हैं, शेयर की गई हैं, उन मामलों में कांग्रेस और कांग्रेस की आईटी सेल अगर जागरूक और सक्रिय होती तो निश्चित तौर पर उन बातों का सोशल मीडिया पर मजाक बनने से रोका जा सकता था। पता नहीं राहुल गांधी के सलाहकारों ने उन्हें ऐसा करने का मशवरा क्यों नहीं दिया, ये बात तो वे ही जाने। क्योंकि नितिन गडकरी के बारे में जो भी बातें 19 सेकंड के वीडियो में वीडियो के जरिए फैलाई गई थी, उन पर नितिन गडकरी के द्वारा कानूनी नोटिस दिए जाने के बाद विराम लगना स्वाभाविक है। राजनीतिक माहौल को इस तरह गंदा करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जा सकता है। वैसे राहुल गांधी को चाहिए कि वे नितिन गडकरी के द्वारा उठाए गए कदम से प्रेरणा लें, उसे आत्मसात करें, उस पर मनन करें, विचार करें, मंथन करें और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो भी अनर्गल टीका टिप्पणी चल रही उसके खिलाफ न केवल कानूनी कदम उठाएं वरन कांग्रेस की आईटी सेल को भी इसका जवाब देने के लिए सक्रिय करें, पाबंद करें कांग्रेस की छवि, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी मानी जाती है। लिमटी की लालटेन के 615वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना है तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। फिलहाल कुछ समय से चुनाव के चलते हम शाम को इसका प्रसारण लगातार कर रहे हैं। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ लिमटी की लालटेन और अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 616वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।